हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर पोर्टल में आप सबका स्वागत है। तो यार, एक धमाकेदार वीडियो के साथ अब सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ। काफ़ी अच्छी और बिग MNC कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में, सर्विस बेस्ड कंपनी की तरफ से काफ़ी बिग एड ऑफ कैंपस हायरिंग आ रही है, हो रही, कंपनी भी कर रही है। तो पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कौन कौन से बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, क्या प्रोसीजर होने वाला है, कैसे आप असेसमेंट टेस्ट को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आज की वीडियो में काफ़ी बिग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और कंपनी बिग पैकेज के साथ हायरिंग कर रही है, मोर देन वन रोल के लिए, मोर देन वन कंपनी भी होने वाली है, और वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बार चैनल के बारे में बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना के ऑनलाइन करियर पोर्टल पे अपलोड कर रखी है। अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाके चैनल को चेकआउट करना, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। कल मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी, उसमें विप्रो, टेक महिंद्रा, एल्यूसियन, सीवेंट जैसे बिग कंपनी बिग पैकेज के साथ हायरिंग कर रही है, और जाके चैनल को चेकआउट करना, वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, और जाके वहाँ से वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक कर देना और मल्टीपल कंपनी में अप्लाई कर देना, क्योंकि कंपनी की जो हायरिंग हो रही है बिग पैकेज के साथ, कंपनी हायरिंग कर रही है 7 लाख पर एनम, 8 लाख पर एनम, काफ़ी हाई पैकेज दे रही है फॉर फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। तो फटाफट जाके चैनल को चेकआउट करना, और वीडियो पर नए हो, चैनल को पहली बार विजिट किया, चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, मेड प्लस कंपनी, एक बार फिर से हायरिंग हो रही, मास हायरिंग होने वाली है फॉर ए रोल एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए। लोकेशन की बात करें, हैदराबाद जैसे बिग लोकेशंस के लिए हायरिंग हो रही है, एक्सपीरियंस में फ्रेशर्स के लिए होने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें, बीटेक, एमई, एमटेक, बीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए के स्टूडेंट भी बीटेक, एमई, एमटेक के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बैचेस की बात करें, अगर आप 2020, 2021 और 22 बैच के स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। और टोटल वैकेंसीज की बात करें, तो यहाँ पे 100 वैकेंसीज के लिए हायरिंग हो रही है, जो काफ़ी बिग हायरिंग होने वाली है। तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना। और सैलरी की बात करें, तो यहाँ पे जो आपको इन हैंड सैलरी मिल रही है, 6 लाख पर एनम की इन हैंड सैलरी मिल रही है, और प्लस 2 लाख पर एनम की सैलरी बोनस आपको यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। तो काफ़ी बिग अनाउंसमेंट, बिग अपॉर्चुनिटी है मेडा लैब कंपनी की तरफ से। आप यहाँ पे देख सकते हो, मेड प्लस कंपनी हायरिंग कर रही है, आप स्क्रीन पे यहाँ पे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेशर के लिए ये हायरिंग हो रही है। एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी बीटेक, एमई, एमटेक, बीसीए, एमसीए क्वालिफिकेशन विथ गुड एनालिटिकल एंड कोडिंग स्किल वाले एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग की बात करें, 2020-21-22 बैच वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन 6 जून 2022। अगर आप कंपनी में सेलेक्ट होते हैं, तो आपको 6 जून 2022 को कंपनी को ज्वाइन करना होगा। एक्सटेंशन फॉर ज्वाइनिंग डेट मे नॉट पॉसिबल, आपको 6 जून को ही ज्वाइन करना होगा। इस डेट को आप जो है एक्सटेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। अगर इस डेट को आप नहीं ज्वाइन करते हो, तो आप फर्दर कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते हो। स्किल रिक्वायरमेंट की बात करें, नॉलेज ऑफ कोर कंप्यूटर साइंस कंसेप्ट ऑफ इंक्लूडिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम, फेमिलियरिटी विथ प्रोग्रामिंग जावा और पाइथन, फेमिलियरिटी विथ वेब डेवलपमेंट यूजिंग HTML, JavaScript, CSS, क्योंकि ये डेवलपमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, हायरिंग होने वाली है। तो जो भी चीज़ डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है, बेसिक फंडामेंटल होता है, वो आपको आना चाहिए। जैसे हम HTML, JavaScript, CSS की बात करें, गुड लॉजिकल रीजनिंग स्किल होनी चाहिए, डिजायर टू लर्न डिफरेंट टेक्नोलॉजी एट ए रैपिड पीस, और जाके अप्लाई कर देना, वेट बिल्कुल मत करना। डेट ऑफ द रिटर्न टेस्ट इन 22 मई 2022 होने वाला है। प्लीज़ क्लिक ऑन द अप्लाई बटन ऑन द पेज ऑफ द फिल योर डिटेल एंड सबमिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 90 मिनट का रिटर्न टेस्ट होगा, जो फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड में इन पर्सन और ऑनलाइन होगा, टेक्निकल एंड HR असिस्मेंट, और शॉर्ट लिस्टेड एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड थ्रू द ईमेल्स और कॉल। और एग्जाम जो वेन्यू होने वाला है, बेसिकली ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये ऑनलाइन नहीं होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द प्लेस आपको वहाँ पे जाना होगा, ऑफलाइन होने वाला है। यहाँ पे हैदराबाद लोकेशंस में आप
चूज कर सकते हो। आपको हैदराबाद लोकेशंस पे जाना होगा। अगर आप हैदराबाद लोकेशंस के लिए कंफर्टेबल हो आप जा सकते हो, क्योंकि काफ़ी बिग अनाउंसमेंट है, बिग पैकेज के साथ कंपनी हायरिंग कर रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, आपने सारी चीज़ों को जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नॉलेज की वो सब आप फुलफिल कर सकते हो, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए और जाके पार्टिसिपेट कीजिए। और 100% चांस है आप टेस्ट को क्लियर कर लोगे और आपके हाथ में एक बिग कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर रहने वाला। बेंगलुरु और हैदराबाद लोकेशंस को आप चूज कर सकते हो बोथ ऑफ देम में से। और जो एड्रेस होने वाला सत्य साई, यहाँ पे श्रीनगर कॉलोनी मेन रोड सगर सोसाइटी, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है डिटेल, यहीं पे जाके आपको टेस्ट देना है हैदराबाद एंड बेंगलुरु में। जो यहाँ पे सैलरी की बात करें, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, CTC 6 लाख पर एनम की होने वाली है, 2 लाख यहाँ पे ज्वाइनिंग बोनस आपको मिलने वाला है कंपनी की तरफ से। देयर विल बी द सर्विस एग्रीमेंट ऑफ 2 ईयर्स विद द कंपनी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि कंपनी की तरफ से सर्विस एग्रीमेंट भी होने वाला है 2 ईयर का। और आप कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको टू ईयर कंपनी में वर्क करना ही होगा, उसके बाद ही आप कंपनी को लीव या स्विच कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप बीच में करते हो तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट आपको पे करना होगा जो भी कंपनी यहाँ पे रिक्वायर करेगी। तो जाके फटाफट अप्लाई कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि काफ़ी मास हायरिंग हो रही है, बिग पैकेज के साथ हायरिंग हो रही है। फटाफट जाके अप्लाई कर देना। और भी यहाँ पे सैंपल पेपर और अप्लीकेशन स्टेटस सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सैंपल पेपर से आप अपनी प्रिपरेशन को चेकआउट कर सकते हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अभी टाइम है, जाके अप्लाई कर देना। चलो देखते हैं नेक्स्ट जॉब जो आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब आ रही है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी की तरफ से आ रही है, पूरा डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। टाटा एलेक्सी कंपनी एक बार फिर से हायरिंग कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए। लोकेशंस की बात करें, अक्रॉस इंडिया लोकेशंस के लिए हायरिंग होने वाले, एक्सपीरियंस में फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, BBTEC MEE MTEC MS MCA MSc वाले यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट हायरिंग जब कंपनी की अभी 1 मंथ पहले हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं जिनके पास ऑफर लेटर है कंपनी की तरफ से। तो एक बार फिर से कंपनी हायरिंग कर रही है, जिन्होंने नहीं अप्लाई किया है उनके लिए काफ़ी गुड न्यूज होने वाली है, बिग एडवांटेज होने वाला है। एक बार टाटा एलेक्सा की कंपनी फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रोल होने वाला है काफ़ी बिग रोल होने वाला है, फ्रेशर के लिए हायरिंग हो रही है। अगर आप 2021 और 22 बैच के स्टूडेंट हो तो टाटा एलेक्सी ऐसे बिग कंपनी में अप्लाई कर सकते हो फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए। फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है, सैलरी की बात करें तो बेस्ट इन इंडस्ट्री बेसिस पे होने वाली है। तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कंपनी का। अब बेसिकली आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, टाटा एलेक्सी ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2021-22 बैच वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, ऑलरेडी मैं इसके बारे में आप सबको बता चुका हूँ। परसेंटेज की बात करें, 60% या CGPA में हम डिस्कस करें तो 6.0 CGPA आपका होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी है। मिनिमम अगर 60% या 6.0 CGPA है तो आप सब अप्लाई कर सकते हो। तो जाके अप्लाई कर देना। इफ़ देयर इज एनी बैकलॉग्स नीड टू बी क्लियर एंड सबमिट द कम्प्लीशन सर्टिफिकेट विद इन 12 मंथ अपॉन ज्वाइनिंग। अगर आपका कोई भी एक्टिव बैकलॉग्स है तो आपको 12 मंथ में ज्वाइनिंग के टाइम में क्लियर कर लेना है। अगर नहीं है, ऑलरेडी थी, आपने क्लियर कर लिया है, तो आप सब अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन में ओनली BBTEC MEE MTEC MS MCA MSc विथ नो मोर देन 1 ईयर गैप इन एजुकेशन, ए मिनिमम ऑफ 60% CGPA एग्रीगेट इन 10th and 12th में BBTEC MEE MTEC में होना चाहिए। तो और भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, बट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने आप सबको बता दिया है। फटाफट जाके फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर देना, काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। अदरवाइज इसके बाद भी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लेना और लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाके फॉलो कर लेना। आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट जाके कर लो। और चलो देखते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट जॉब आ रही है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब आ रही है किडले कंपनी की तरफ से आ रही है, जो रोल होने वाला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे बिग रोल के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है। लोकेशंस में मल्टीपल लोकेशंस के लिए होने वाली, एक्सपीरियंस में 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप सब अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास मैक्सिमम 2 ईयर का, 1 ईयर का, या अगर फ्रेशर हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन में BBTEC MEE MTEC वाले अप्लाई कर सकते हैं। बैचेस की बात करें नॉट मेंशन है, बट अगर आपके पास 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप सब एलिजिबल होने वाले हो। जॉब टाइम में फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है, सैलरी की बात करें तो बेस्ट इन इंडस्ट्री बेसिस पे होने वाली है।
काफ़ी अच्छी और बिग कंपनी है, वेट बिल्कुल मत करना, फटाफट जाके अप्लाई कर देना, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है जो काफ़ी बिग रोल होने वाला है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी, जो जॉब की लोकेशन होने वाले बेंगलुरु लोकेशंस के लिए कंपनी अभी हायरिंग कर रही है, और भी बहुत सारी रोल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट टेक्निकल प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज के लिए बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अगर आप रीड आउट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड टू रीड आउट। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थे, और परसेंटेज के बारे में कंपनी के द्वारा यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया, बट अगर आपका 60% या उससे अबव है तो आप सब एलिजिबल होने वाले हो, फटाफट जाके अप्लाई कर देना। और चलो देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब होने वाली है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब होने वाली है प्रोडचैंट कंपनी की तरफ से होने वाली, जो रोल होने वाले पाइथन डेवलपर के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है, और एक्सपीरियंस फ्रेशर्स के लिए होने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें बीबीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, बैचेस की बात करें 2020-21-22 बैच के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग जो होने वाली बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ओपनिंग है, बट ये बिल्कुल मत सोचना कि लिमिटेड ओपनिंग है तो आप और सारी यहाँ पे कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो उसके बाद भी आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपको अप्लाई करना है चाहे यहाँ पे वैकेंसी कितनी भी लिमिटेड हो या बहुत ज़्यादा हो, आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि सारे स्टूडेंट यही सोचेंगे कि तो यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी लिमिटेड है तो कोई भी अप्लाई नहीं करेगा, तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है फटाफट, क्योंकि काफ़ी अच्छे और बिग रोल के लिए कंपनी हायरिंग कर रही है पाइथन डेवलपर के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके अप्लाई कर देना। बेसिकली ये जॉब अपॉर्चुनिटी हैकर अर्थ के प्लेटफॉर्म पर आ रही है, जो एक चैलेंजेस बेसिस पे होने वाली है, तो जाके रजिस्ट्रेशन कर देना। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि कितने जो चैलेंज फॉर्मेट होने वाला है, 10 MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 2 प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन भी होंगे और एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फटाफट जाके आप रजिस्टर कर देना, क्योंकि अभी भी ये टेस्ट कंटिन्यू है, लाइव है, जाके तुरंत आप अप्लाई करके रजिस्टर करके पार्टिसिपेट कर सकते हो फटाफट। और जो लास्ट डेट होने वाला है टेस्ट क्लोज का, 8 मई 2022 यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और टाइम की बात करें, टाइम ऑफ ड्यूरेशन यहाँ पे 2 hours 30 minutes का ये टेस्ट होने वाला है, तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आई होप जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही थी मैंने आप सबको पूरा डिटेल में बता दिया है, अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, फटाफट जाके अप्लाई कर देना। और लिंक्डइन प्रोफाइल भी नहीं फॉलो की जाके फॉलो कर लेना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू भाई।